बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ITER 2020 सेशन के सिलसिले में जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो चैप्टर 6 में बेसिकली स्पोर से रिलेटेड है। जो बैक्टीरिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है वो क्या होगी। देखें, ये जो स्पोर फॉर्मेशन है बेसिकली ये रिलेटेड है रेस्टिंग स्टेज के साथ। स्पोर फॉर्मेशन हो रही होती है ये किसके साथ रिलेटेड है, रेस्टिंग स्टेज होगी। अब ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज और फेज जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको किसी किस्म के जब फूड की ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सीजन या वाटर की उस तरह से ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये कि वो जो स्पोर होगा ना, एक तरह से क्या है, वो डॉर्मेंट होगा। वो कैसा होगा, डॉर्मेंट होता है, तो इसलिए ना वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होगा और उसको किसी किस्म की वो ज़रूरत नहीं होती। और एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जो स्पोर फॉर्मेशन होती है बेसिकली ये कहाँ से होगी, दैट इज़ फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। समझाने कि जो एक नॉर्मल सेल होता है ना, जिसको हम वेजिटेटिव सेल का नाम देते हैं, वहाँ से क्या होगी कि ये स्पोर फॉर्मेशन होगी। और वो जो स्पोर फॉर्मेशन है ना, उसमें एक नॉर्मल सेल जो होता है ना, स्पोर वॉल प्रोड्यूस करने के बाद क्या करेगा, एक स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटे, जहाँ तक स्पोर्स के टाइप्स का ताल्लुक है, उसमें ये सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एंडोस्पोर। ठीक है, जो स्पोर्स बनते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप क्या है, एंडोस्पोर है। अब याद रखें कि ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ना, इनमें जो स्पोर वॉल है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल। यानी जो स्पोर वॉल है प्रोड्यूस्ड इनसाइड सेल। एक तो ये आपने याद रखना है कि जो सेल होगा, यानी वेजिटेटिव सेल है, उसके अंदर बनती है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं ऐसे ये शो कर देता हूँ कि ये क्या था, एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है। ये उसका क्या था, शाबाश, जीनोम था। यानी ये उसका ना है ये क्रोमोसोम, लेकिन आप इसको जीनोम भी कह सकते हैं। यानी ये उसका जीनोम है। अब होता ये है कि ड्यूरिंग एंडोस्पोर फॉर्मेशन, यही बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, पहले अपना जो जीनोम है उसकी रेप्लिकेशन कर लेगा। मतलब इस जीनोम की क्या एक कॉपी प्रोड्यूस करता है। यानी ये जीनोम था, ये क्या उसकी कॉपी बन गई। देखें कहाँ पे बन रही है, विद इन द साइटोप्लाज्म। ये सारी बातें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। फिर उसके बाद ये क्या करेगा कि वो जो जीनोम है उसके गिर्द एक टफ वॉल जो होती है वो डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, और इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पोर वॉल का। अब चूंकि वो इनर साइड पे बन रही है, तो वे इनर साइड पे बनने की वजह से क्या होगा, ये एंडोस्पोर है। लेकिन बेटा एक याद रखना है कि ये जो एंडोस्पोर हम इस तरह से शो कर रहे हैं, यानी ये उसकी वॉल थी और इसके अंदर ये उसका क्या है, जो जीनोम है उसकी एक कॉपी मौजूद होती है। डायरेक्ट वो जीनोम नहीं उसको ये अपने अंदर इंक्लूड करेगा, बल्कि जीनोम की रेप्लिकेशन के बाद जो कॉपी है वो की जाती है। लेकिन उसके साथ साथ एक यहाँ पे याद रखें, जो इनर साइड होगी उसमें हम ये कहते हैं कि देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर। उसके अंदर जो वाटर है उसके अमाउंट बहुत कम होती है। और साथ ही ना यहाँ पे देखें, ये मैं इसके बाहर ये शो कर रहा हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज़ अ पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या थे, शाबाश, ये सेल वॉल है। और ये दोनों जो होते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये इसके गिर्द क्या करते हैं, एक तरह की शीथ बना लेते हैं। और वो बेसिकली शीथ क्या होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होगी। बाकी जो सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना, वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। अब देखें,
ये जो स्पोर बना है ना, ये कहाँ पे बना है? सेल के अंदर। लेकिन बेटे ये ना दो तरह से हो सकता है, यानी कहाँ पे होगा ये? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन सेंटर ऑफ द सेल, या फिर क्या होगा, ऑन वन साइड, यानी सेल के एक साइड पे भी बन सकता है, या बिल्कुल क्या होगा, सेंटर में बनेगा। और बेटे जो एंडोस्पोर है, बेसिकली जब वो रेजिस्टेंस शो करता है किसके लिहाज से, यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी है। और इसमें ना एक आप यूँ कह सकते हैं जो डेसिकेशन है, यानी जो वाटर डेफिशिएंसी जिसको बोला जाता है, उसको भी ये क्या है, फेस कर सकता है। यानी वाटर डेफिशिएंसी को भी ये फेस करेगा, या किसी किस्म के उसमें रेडिएशंस हैं, या इवन के जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, उन सब के लिहाज से क्या है, ये रेजिस्टेंट है। यानी ये क्या होगा, इट विल बी रेजिस्टेंट टू, ये आपने याद रखना है। यानी अब अगर आपसे कोई पूछे ना एंडोस्पोर जब वो फॉर्मेशन कब हो सकती है, आप देखें वो डिपेंड करता है सराउंडिंग कंडीशंस के ऊपर। मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर जब उसमें फ्लक्चुएशन आने लगी है, अनफेवरेबल हो रहा है, वाटर की डेफिशिएंसी होगी, फूड की डेफिशिएंसी होगी, रेडिएशन से हार्मफुल, ख़ासतौर पर रेडिएशन जिसमें उसको ग्रो करना मुश्किल है, या केमिकल्स में, इन केसेस में क्या करते हैं, वो बनाते हैं। और ये जो इसका जो लाइफ टाइम होगा ना, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इट कैन सर्वाइव या विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर सेवरल ईयर्स, कि कई सालों तक क्या होगा कि वो इन कंडीशंस में क्या सर्वाइव कर सकता है जो अनफेवरेबल। अब देखें ना जो ग्लेशियर है वहाँ पे भी आपको ना बैक्टीरियल स्पोर्स मिलेंगे, और वो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो बहुत यानी ओल्ड हो सकते हैं, यानी बहुत साल पुराने भी हो सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जिस वक्त ना ये स्पोर वॉल जो होती है बर्स्ट करेगी, बर्स करने के बाद क्या होता है कि उसमें से एक वेजिटेटिव जो है वो सेल प्रोड्यूस होगा। यानी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि जो एंडोस्पोर वॉल होगी, एंडोस्पोर जिस वक्त ना जर्मिनेट करता है, तो ये जर्मिनेशन कब होगी, शाबाश, ये जर्मिनेशन कब होगी कि जिस वक्त क्या है, फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं ना वो रिटर्न करेंगे, यानी वापस आ जाएंगे। यानी जो फेवरेबल एनवायरनमेंट या कंडीशंस होंगी उसमें जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेशन के दौरान ये क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू न्यू वेजिटेटिव सेल। यानी एक नॉर्मल जैसे बैक्टीरियल सेल होता है ना, जिसको मैं वेजिटेटिव सेल कह रहा हूँ, वो बना देगा। और साथ ही एक ये भी याद रखें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन और फिर उसे एक नया सेल का बनना जो है ना, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। बात समझ आ रही कि नहीं, कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होगा ये उसका पार्ट नहीं है। बात क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या था, एंडोस्पोर्स। इसी तरह से मैं यहाँ पे ना सेकंड इसका एग्जांपल लिख रहा हूँ स्पोर फॉर्मेशन के लिहाज से, वो क्या है, एग्जोस्पोर्स। ये ना एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, जिसको मैं एक नाम दे रहा हूँ, एक्टिनोमाइसिड्स। ये याद रखिएगा कि एग्जोस्पोर्स जो बनते हैं ना, दीज आर प्रोड्यूस इन एक्टिनोमाइसिड्स। यानी ये बैक्टीरिया का ग्रुप है जो बनाता है। और ये कब बनते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना कि ये प्रोड्यूस होते हैं जब क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर या इस तरह से। यहाँ पे ना ये एग्जोस्पोर फॉर्मेशन है जो है ना, इसकी जो फॉर्मेशन है दैट अकर्स, ये कब होगी जी, इन फूड या न्यूट्रिशन
डेफिशिएंसी जब होगी, यानी फूड डेफिशिएंसी जब होती है तब ये बनेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन इसमें ना एक याद रखें कि जैसे हमने यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ किया ना, ये उसी तरह से एक क्या था, ये बैक्टीरियल सेल है, ये उसका जीनोम वगैरह। तो इसमें होता क्या है कि जो बैक्टीरियल वॉल बनने लगती है उसमें क्या होंगे, ये छोटे छोटे से ना माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह होते हैं या ट्यूबुलर से पार्ट्स हैं जो पूरे वेजिटेटिव सेल को जब सराउंड करते हैं। यानी ये क्या थे बेसिकली, ये स्पोर वॉल है। बात समझ आ रही है, ये स्पोर वॉल थी जो क्या होती है आउटर साइड पे जब वो बनेगी, और ये जो स्पोर वॉल है ना उस में इनर साइड पे पूरा वेजिटेटिव सेल जो होता है ना वो एनक्लोज हो जाएगा। ये इतने लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं सर्वाइव करता जितना एंडोस्पोर करता है, लेकिन ये भी क्या है उसी तरह से वाटर रेजिस्टेंट भी है, यानी डेसिकेशन रेजिस्टेंस इसको कहेंगे कि वाटर की डेफिशिएंसी को ये फेस कर सकता है। टेम्परेचर को भी और रेडिएशंस को भी ये क्या है फेस करेगा, यानी केमिकल्स को भी इवन के कहते हैं कि ये एक्सोस्पोर्स होते हैं वो फेस कर सकते हैं। लेकिन बेटे इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि देखें, यहाँ पे हमने किस तरह से कहा था कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, यानी वो उसको ना सील कर देती हैं एक सेल को, उस स्पोर को उसके अंदर बंद हो जाएगा, ठीक है। और इवन के ये जो शीत या कवरिंग बनती है ना इसमें क्या होगी, ये फर्दर यानी आप कह सकते हैं ये स्ट्रेंथन होगी या इसकी फर्दर जो प्रोटेक्शन है इसे क्या हो जाएगी, फर्दर प्रोटेक्शन होगी। और वो किसके थ्रू होती है, यहाँ पे मैं ये नाम लिख रहा हूँ, पेप्टाइडो ग्लाइकन, ठीक है। वो ज़ाहिर है उसमें सेल वॉल थी उसमें भी पेप्टाइडोग्लाइकन थी, लेकिन फर्दर पेप्टाइडोग्लाइकन के थ्रू क्या होगा वो एंडोस्पोर होता है। जबकि इसमें क्या होगा, स्पोर जो वॉल है वो सिंपली क्या है कि आप देखें आउटर साइड पे बन रही है सेल वॉल के, तो इस तरह से ना यहाँ पे वो सील या वो शीत सी आपको नज़र नहीं आएगी। एंड भी बेटे आ जाता है एंडोस्पोर के अलावा एक होता है सिस्ट। अब ये जो सिस्ट है ना ये एक आप लिख लें बैक्टीरिया की टाइप है एजोबैक्टर। जो एजोबैक्टर है उसमें क्या होगा कि ये सिस्ट फॉर्मेशन होती है, लेकिन देखें ये कब बनता है सिस्ट, अंडर ड्राई कंडीशंस। आप देखें ना हर एक के फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होंगी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सिस्ट की वॉल होगी दैट इज डेसिकेशन रेजिस्टेंट। वो वॉल कैसी होती है, डेसिकेशन रेजिस्टेंट होगी। और ये भी क्या करेगी उसी तरह से पूरे एक सेल जो होता है ना वेजिटेटिव सेल उसको सराउंड करती है। ये भी एक्सोस्पोर में भी ऐसे ही हो रहा था, सिस्ट में भी ऐसे ही हो रहा है। अब मैं तो दोनों के थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि एक्सोस्पोर जो होता है ना वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी है और वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, जबकि जो सिस्ट है वो सिर्फ क्या होगा डेसिकेशन रेजिस्टेंट या वाटर रेजिस्टेंट आप कह रहे हैं, वाटर डेफिशिएंसी को भी फेस कर सकता है, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होगा। जो सिस्ट है वो क्या है, हीट रेजिस्टेंट नहीं होता। अब बेटे बाकी रह गया इसमें, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ये जो एंडोस्पोर था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो एक्सोस्पोर है दिस इज हाँ जी प्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, यानी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है उसके दौरान ये बनेगा, और ख़ास तौर पे ये क्या होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में बनता है। तो ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का पार्ट है जबकि एंडोस्पोर नहीं होता है। और अगर हम देखें ना सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए जो सर्वाइव कर सकता है वो एंडोस्पोर है, जो सिस्ट होगा वो उतने ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव भी नहीं करता। आई थिंक यहाँ तक ये बातें आपके
क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट बेटे हम आते हैं बैक्टीरिया के लिहाज से जो रिप्रोडक्शन है, और उसमें ना मैं दो चीज़ें अलग से ये बताने जा रहा हूँ, आपके बुक में भी उसने अलग से ये मेंशन की हुई है, एक है उसमें ग्रोथ और दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ इन बैक्टीरिया, देखिए जो ग्रोथ इन बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे ग्रोथ से मीनिंग क्या होता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी, क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी, यानी ग्रोथ से मीनिंग हम यहाँ पे कॉलोनी, कॉलोनी क्या होता है, जब ग्रुप की सूरत में क्या होंगे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। अच्छा बेटे ये जो बैक्टीरिया है ना जो कि इस तरह से क्या है ग्रो करते हैं, तो ग्रोथ की ना बेसिकली फोर फेजेस हैं, कितनी होंगी इसमें, देर आर फोर फेजेस ऑफ ग्रोथ, और उसमें जो पहली फेज होती है उसको बेटे हम नाम देते हैं लैग फेज का, और जो लैग फेज है ना दैट इज फेज ऑफ नो ग्रोथ, और इसमें आप यूं भी लिख सकते हैं नो एक्टिव सेल डिवीजन, इसके दौरान किसी किस्म की एक्टिव जो है ना वो सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, यानी जैसे आप ना बैक्टीरिया में देखते हैं ना कि वो जब कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल होती हैं तो आप क्या कहते हैं कि हर 20 मिनट के बाद जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड करेगा और दो डॉटर बैक्टीरिया बना देता है, लेकिन यहाँ पे लैग फेज में वो नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो कंडीशंस हैं यहाँ पे, यानी लैग फेज के दौरान क्या होंगी, कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, क्या होंगी, दिस विल बी अनफेवरेबल, इसलिए क्या है वो डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखें इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आइदर दे आर वेटिंग फॉर, क्या कर रहे हैं वो, वेट कर रहे हैं किसके लिए, फॉर फेवरेबल कंडीशंस या फेवरेबल एनवायरनमेंट, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, और सेकंड इसमें याद रखें और दे आर adopting to existing condition, जो सब कंडीशन सी ना एग्जिस्ट कर रही हैं या तो उनके साथ वो क्या कर रहे हैं अपने आप को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, यानी अडॉप्ट से मीनिंग क्या होगा कि देखें एक कंडीशन थी जो बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल थी, उसमें सर्वाइव करना या उस साथ से रिप्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब अपने आप को वो उस कंडीशन के साथ अडॉप्ट कर लेगा, अब अडॉप्ट करने के बाद क्या कंडीशन में कोई चेंज नहीं आई, कंडीशन वही जो है वो परसिस्ट कर रही है, लेकिन जो बैक्टीरिया होंगे अडॉप्टेशन के बाद हम ये कहते हैं दे आर नाउ ईजी टू डिवाइड एंड लिव इन दैट कंडीशन, पहले वो उनके लिए अनईजी था, उनके लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन कंडीशन सेम है अडॉप्टेशन के बाद क्या है दैट कंडीशन इज़ नाउ नो मोर हार्मफुल और डैमेजिंग फॉर बैक्टीरियल सेल, इसलिए बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं डिवाइड करते रहेंगे। अच्छा बेटे इसके बाद ना दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो फिर क्या होंगी फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, यानी अनफेवरेबल ख़त्म हो रही हैं, या फिर क्या होंगे बैक्टीरिया अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद जब ना फेवरेबल कंडीशंस आ गई या उन्होंने ना अपने आप को अडॉप्ट कर लिया तो अब वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे, वो क्या करेंगे डिवाइड करना शुरू कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो उसके साथ क्या होगा जो कॉलोनी है उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स होता है उसमें इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। अब देखें इसमें ना जैसा नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल इंक्रीज़ करता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जो है ना
दिस बेसिकली फेस ऑफ फास्ट सेल डिवीजन है, जिसमें ना बार बार क्या होंगे, जो बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं ना, वो डिवाइड कर रहे होते हैं, और इस तरह से क्या होगा, जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो इंक्रीज करता है, और इंक्रीज किस में कर रहा है, कि इट इंक्रीजेज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, देखिए अगर एक बैक्टीरियम सा एक से दो बने, दो से चार बने, ठीक है ना, और इस तरह फॉर एग्जाम्पल 100,000 बन गया, तो नेक्स्ट 20 मिनट के बाद क्या होगा, 200,000 हो जाएंगे, फिर 20 मिनट के बाद 400,000, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्या होंगे, ये करेंगे। लेकिन बेटा एक याद रखें, दो चीज़ें होती हैं कि जिस हद ना वो तेज़ी के साथ वो रिप्रोड्यूस करते हैं, हो सकता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन अभी चेंज नहीं हुई है, फूड की डेफिशिएंसी हो जाए, यानी जो उसका फूड अवेलेबल था, यानी टेम्परेचर भी नॉर्मल कह दें, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, लेकिन फूड की डेफिशिएंसी होगी, हो सकता है वाटर भी नॉर्मल हो, तभी बैक्टीरिया के लिए जब वो उस हद से डिवाइड और ग्रो करना पॉसिबल नहीं रहेगा। अब ना देखें ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या था कि अभी वो डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं और उनकी डेथ भी हो रही है, लेकिन डेथ भी बहुत कम है, क्यों, अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस फेज़ में वो अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन जब नंबर इंक्रीज़ करता है बैक्टीरिया का, तो उनकी डेथ भी क्या है, रेट इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसा नंबर इंक्रीज़ करेगा अब फूड की या वाटर की या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, एक टाइम आएगा, यानी जिस वक्त जब वो डेथ रेट जो होता है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, लेकिन रिप्रोडक्शन रेट क्या कम होना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसे स्टेज आएगी जहाँ पे डेथ रेट और जो रिप्रोडक्शन रेट्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब वो जो स्टेज होती है ना, उसको हम बेटे स्टेशनरी फेस का नाम देंगे, और ये जो स्टेशनरी फेस होती है ना, ये ऐसी है कि जैसे वहाँ पे हमने कहा था ना फेज़ ऑफ नो ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ होती ही नहीं है, यहाँ पे भी क्या किसी किस्म की ग्रोथ नहीं होगी, यानी कॉलोनी का साइज़ ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज, यानी जितने नए बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने बैक्टीरिया की क्या है, डेथ हो रही है, यानी इस स्टेशनरी फेस में डेथ रेट और रिप्रोडक्शन रेट्स जो हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। और आखिर में आ जाता है जिसको बेटे आप क्या नाम देंगे जी, यानी जो फोर्थ फेज़ होगी, डिक्लाइन फेज़, और ये जो डिक्लाइन फेज़ होती है इसमें आप डेथ रेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, आप इसमें लिख सकते हैं कि जो डेथ रेट है वो क्या है, हाई है, जबकि जो रिप्रोडक्शन रेट था वो क्या हो जाएगा, लो। तो ऑब्वियसली जो कॉलोनी के अंदर मेंबर्स होंगे या बैक्टीरिया है उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, इस वजह से हम इसको फिर क्या नाम देंगे कि ये क्या है, डिक्लाइन फेज़ है, ये कौन सी होगी, डिक्लाइन फेज़। अच्छा बेटे अगर हम इसी को ना यहाँ पे ग्राफिकली भी शो कर दें, तो देखिए मैं इसमें ना जस्ट लाइक दिस से एक ग्राफ सा यूँ बना देता हूँ, बी एट एंटी प्लेस के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या था, एक्स एक्सिस के अलांग हमने यूँ टाइम और वाई एक्सिस के अलांग शो कर देते हैं क्या जी, ग्रोथ, ये दो वेरिएबल्स हैं। अब देखिए स्टार्ट में क्या था कि जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल नहीं है, बैक्टीरिया की उस से डिवीजन इतनी नहीं हो रही, तो ये कौन से फेज थे, लैग। लेकिन क्या है, जिस वक्त ना बैक्टीरिया ने तेज़ी के साथ डिवाइड करना शुरू किया, ये आपने फेज़ क्या कहा, लॉग फेज़, यानी आप देखें कॉलोनी का साइज़ क्या है, बढ़ रहा है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। फिर क्या होगा, इसी तरह से हमने कहा था जब डेथ रेट और जो रिप्रोडक्शन रेट है वो क्या है, इक्वल हो जाते हैं, कॉलोनी का ना साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़, ये हॉरिजेंटल लाइन उसको शो कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेशनरी। और आखिर में क्या है, डेथ रेट जब इंक्रीज़ कर जाता है तो उसको आप डेथ या डिक्लाइन फेज़ का नाम
दे देंगे। क्या कहेंगे आप उसको कि ये कौन सी है, डेथ फेज है या डिक्लाइन फेज है। तो ये बेसिकली क्या थे, फोर फेजेस होती हैं। और डेथ के बाद क्या होगा, यानी अगर दोबारा से कंडीशंस नॉर्मल हो जाती हैं और यानी डेथ रेट फिर जब वो कंट्रोल हो जाएगा तो आस्ते आस्ते लैग फेज में, फिर उसके बाद ना अडॉप्ट करेंगे या फेयरवेबल आना शुरू होती हैं तो साथ ही लॉग, और ये बार बार ये साइक्लिक मैनर में चलता रहेगा। ये बात समझ आ रही है। अच्छा बेटे, इसमें ना यहाँ पे हम नेक्स्ट थोड़ी सी बात करेंगे एक बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन है। मैं असल में ना जेनेटिक वेरिएशन की से बात कर रहा हूँ कि आगे चल के हम ना थोड़ा सा रिप्रोडक्शन को भी देखने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के लिहाज से भी क्या है, बैक्टीरिया में वेरिएशंस आती हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि जो जेनेटिक वेरिएशन आ रही है बैक्टीरिया के अंदर, जेनेटिक वेरिएशन जो होगी बैक्टीरिया में, ये वेरिएशन कैसे होती है, इसके लिए बेटा आपने याद रखना है कि जो जेनेटिकली जो डीएनए है उसमें चेंजेस जो आते रहते हैं ना, उनको आप क्या नाम देते हैं, म्यूटेशन। कि बैक्टीरिया के अंदर ना जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमें नज़र आती है कि उनमें ना वो बैक्टीरिया है उनके अंदर वेरिएशन मौजूद है, डिफरेंसेस हैं। लेकिन उन वेरिएशन का जो सोर्स है नंबर वन कौन सा है, म्यूटेशन। अब देखें ना, जैसे हम ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिहाज से बात करते हैं, इवन कि हमारी बॉडी के अंदर भी म्यूटेशन आ सकती है, वो रेडिएशन के थ्रू भी आ सकती है, वो केमिकल्स हैं उनके थ्रू भी आ सकती है, इवन के वायरसेस के थ्रू भी आ सकती है। तो यानी आपने उन केमिकल्स को एक नाम दिया था, या वो तमाम जो रेडिएशन से ना जिनसे म्यूटेशन हो सकती है, म्यूटेजन्स, ठीक है ना। और वो म्यूटेजन्स है ना, व्हेन दे ब्रिंग अबाउट म्यूटेशन तो उसको म्यूटाजेनेसिस का हम नाम देते हैं। ये म्यूटाजेनेसिस हो रही है, म्यूटेशन हो रही है, उसके थ्रू क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन आएगी। लेकिन सेकंड जो इसमें आ जाता है म्यूटेशन के अलावा जो सोर्स है, वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ना, ये ख़ास तौर पे जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी ये कब होगा, जेनेटिक जो रिकॉम्बिनेशन है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें क्या होगा, नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिससे क्या हमारे पास बैक्टीरिया के एक वैरायटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली क्या थे, दो रीजंस थे किसकी, जेनेटिक वेरिएशन की बैक्टीरिया के अंदर। अब ना हम ये ग्रोथ के बाद ना उसी तरह से जो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात करेंगे, जिसमें आपको ना ये नज़र आए कि यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी, और उसे हम कहते हैं कि जो न्यू टाइप्स के जो बैक्टीरिया देखें आल्सो भी प्रोड्यूस। अब सबसे पहली बात कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरह से होती है, एक उसमें कि जो रिप्रोडक्शन की टाइप है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी कौन सी आपने पढ़ी थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल जो मेथड होता है ना, वो ऐसा है कि जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो इन्वॉल्व होगा, यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो क्या होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है दो तरह से है, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाइनरी फिशन, और दूसरा जो होता है इसमें वो क्या है, बर्डिंग है। ये आपने याद रखना है, कुछ बैक्टीरिया में बर्डिंग के थ्रू भी क्या होते रिप्रोडक्शन हो रही होती है। आप देखें जो बाइनरी फिशन, बाइनरी का मीनिंग क्या है, टू, फिशन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन। यानी अगर एक बैक्टीरियल सेल है वो क्या करेगा, वो अगर ब्रेक डाउन कर जाता है, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक बैक्टीरियल सेल इस तरह से ड्रॉ कर दिया,
जब ये बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा दो डॉटर बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन उसमें बड़े होता है इस तरह से कि देख लें, ये पहले जैसे मैंने शो कर दिया ना कि ये उसका जीनोम था, यहाँ पे जीनोमिक क्या हो रही है, शाबाश रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसकी दो कॉपीज बन जाती हैं। फिर वो जो आपने मीजोसोम्स वगैरह पढ़ी थी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो होती हैं इनवर्ड फोल्डिंग सी, वो ग्रो करना शुरू करती हैं और फाइनली फिर क्या करेंगी, वो एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल को दो बैक्टीरिया के अंदर जब वो डिवाइड कर देती हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसको ना मैं यहाँ पे एक और भी नाम दे रहा हूँ, ये जो बाइनरी फिशन है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए माइटोसिस। यानी ये वो ट्रू माइटोसिस नहीं है, ये ट्रू माइटोसिस आप इसको नहीं कह सकते, क्यों कि इसके अंदर एक तो ना न्यूक्लियस मौजूद है उस तरह से, ना ही इसके अंदर क्या होगा वो जो है सेंट्रियोल होता है या स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, तो इस तरह की कोई जो है ना वो जो कैरियोकाइनेसिस जिसको आप कह रहे थे कि प्रोफेस मेटाफेस है ना और टीलोफेस, ये कोई फेस मौजूद नहीं है। यानी सिंपल डीएनए रेप्लिकेट करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इन्वेजिनेशन होती है मीजोसोम वो उसके साइटोप्लाज्म को जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगी। और इस तरह से ना ये बैक्टीरियल सेल जो होता है ना वो दो डॉटर बैक्टीरिया के अंदर चेंज हो जाएगा। जब हम बर्डिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि ये एक बैक्टीरियल सेल है तो उसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, एक आउट ग्रोथ बनती है जिसको आप क्या नाम देंगे, बर्ड का। फिर वो जो बर्ड होता है वो ग्रो भी करता जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है, जब ये बर्ड बनता है तो मेरे जो जीनोम होगा वो रेप्लिकेट करता है, क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रोड्यूस की जाएगी, तो एक कॉपी जो है ना वो मूव करके उस बर्ड या आउटग्रोथ में चली जाती है, फिर बर्ड वहाँ से सेपरेट होगा और एक इंडिपेंडेंट जो बैक्टीरियम बना सकता है। अच्छा बेटे, अगर आपसे कोई पूछे ना ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है ये कब होती है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। जब कंडीशंस क्या है, शाबाश फेवरेबल है, तो उस वक्त क्या होगी, ये बैक्टीरियल सेल जो होता है ना वो डिवाइड करेगा। लेकिन एक ना यहाँ पे मैं और भी ये मेंशन कर रहा हूँ, जनरेशन टाइम। और जनरेशन टाइम क्या होता है, देखिए मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरियल सेल था उसने डिवाइड किया और दो नए सेल्स बना दिए, फिर वो ग्रो करेंगे दोबारा डिवाइड करने लग जाएंगे। दोबारा वो डिवाइड करने लग जाएंगे और दोबारा डिवाइड करने के बाद वो क्या करते हैं, नए बैक्टीरिया बनाते हैं। अब ना ये जो एक दफ़ा डिवाइड किया और फिर दोबारा डिवीजन के लिए तैयार हो गए तो ये एक जनरेशन टाइम होगा। और यहाँ पे आपकी बुक में ना उसने एक बैक्टीरियल टाइप की बात की है, ये मैं शॉर्टली उसको लिख रहा हूँ, ई कोलाई। जो ई कोलाई है ना इसका बेटे ये 20 मिनट जो होता है ना वो जनरेशन टाइम है। मतलब ये कि अगर कंडीशंस होंगी वो फेवरेबल होंगी, यानी एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल है, तो हर 20 मिनट के बाद क्या होगा, ये बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड करके टू डॉटर बैक्टीरिया जो है वो बना सकते हैं। ये बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये बेसिकली क्या था, ए सेक्शन। और यहाँ पे जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक याद रखें कि कोई ना सेक्शुअल, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, नो सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म। कि बैक्टीरिया वगैरह के अंदर क्या है, किसी किस्म का सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होता। डाई का मीनिंग क्या है, टू, मॉर्फा किसको कहते हैं हम, शेप को। यानी डाइमॉर्फिज्म फिर क्या हुआ कि यानी उसमें ना जो मेल और फीमेल के लिहाज से एक होती है ना डिफरेंशिएशन, कि हम देख के पहचान लेते हैं ये मेल है या ये फीमेल, तो बैक्टीरिया के अंदर बेटे आपको उस तरह से ये डाइमॉर्फिज्म जो है वो नज़र नहीं आएगा। प्लस एक और बात भी है कि इसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होती। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगी,
गैमिटोजेनेसिस, कोई गैमिट फॉर्मेशन भी नहीं हो रही, और नो फर्टिलाइजेशन, यानी जैसे आप वो कहते हैं ना एग और स्पर्म मिलते हैं, एक नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया एक उनके लिए ना हम कहते हैं कि वो एक शो करते हैं पैरासेक्सुअलिटी। वो क्या शो करेंगे, पैरा सेक्सुअलिटी। और ये जो पैरा सेक्सुअलिटी होती है इसमें क्या होगा कि दो कोई से बैक्टीरियल सेल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे और अपने साथ के जेनेटिक मटेरियल का जब वो एक्सचेंज करते हैं, यानी इस पैरा सेक्सुअलिटी में क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जैसा ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो बेटे इसको हम एक नाम देते हैं कि ये इट विल रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं, कि दिस विल रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और इस तरह से फिर क्या होगा, एक न्यू कॉम्बिनेशन बन गया है और एक न्यू टाइप। और देखें ना, जब हम ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग और स्पर्म को भी कंबाइन करते हैं, तो यानी एग जब वो फीमेल पेरेंट से जब वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, स्पर्म जो होता है वो मेल पेरेंट से, ज़रा मेल और फीमेल पेरेंट्स थोड़े डिफरेंट हैं जेनेटिकली, जब दोनों के जो होते हैं 50% जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक पेरेंट की, 50% दूसरे की आती है, तो वो क्या एक तरह का रिकॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, उस तरह से गैमीट्स तो नहीं है लेकिन दोनों जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आएंगे या दूसरे मीन्स के थ्रू अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये फिर एक्सचेंज जो होगा वो क्या है, दैट विल रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बात समझ आ रही है, तो इस तरह से हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, बिकॉज देर इज़ अ मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट बैक्टीरिया। तो बेटे इसमें ना मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से एक टाइप है, उसको हम नाम देते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन। एक टाइप है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो था ना, ये आपने वैसे सेकंड ईयर में भी पढ़ा था, एक नाम था ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, जिसने 1928, बेसिकली क्या था, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है ना वो जर्मन साइंटिस्ट था, और इसने क्या किया था 1928 में, जो थी ना बैक्टीरिया की एक टाइप थी, यहाँ पे ये मैं नाम लिख रहा हूँ उसका, स्ट्रेप्टो कोकस नेमोनी। अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनी है ये क्या करती है, नमूनिया कॉज करती है, और इसने क्या किया था कि इसकी बेसिकली दो स्ट्रेन्स जो थी ऑब्जर्व की थी, यानी सेम बैक्टीरिया में, यानी कि वो कोई डिफरेंट है, दो होती हैं इसके, एक जो होता है एक स्ट्रेन क्या करेगी, स्मूथ कॉलोनीज बनाती है, और दूसरी जो स्ट्रेन होगी वो क्या करेगी, दैट विल प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज। अब देखें जो स्मूथ कॉलोनीज बना रही है जो स्ट्रेन या जो टाइप है उसके बाहर एक्चुअली क्या होता है, स्लाइम कैप्सूल होगा, यानी उस कैप्सूल की वजह से क्या होगा कि इसके जो यानी कॉलोनीस हैं वो स्मूथ नज़र आती हैं, तो इसलिए इसको हम एस टाइप कह देते हैं। और इसके अंदर क्या है, रफ कॉलोनी में नो स्लाइम कैप्सूल, इसमें किसी किस्म का कोई स्लाइम कैप्सूल नहीं होता, तो ये फिर क्या करेंगे, दीज विल प्रोड्यूस आर टाइप बैक्टीरिया। ये क्या करेंगे, आर टाइप बैक्टीरिया, यानी रफ कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस
करते हैं। अब देखें ये जो दो स्ट्रेन्स हैं ना, यानी स्मूथ और रफ़ कॉलोनीज के हवाले से, एस टाइप और आर टाइप, ग्रिफिथ ने क्या देखा था, मैं जस्ट ज़बानी इसका ये बता देता हूँ थोड़ा सा, कि उसने ना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसने ये किया कि जो आर टाइप थे ना, उनको जब इंजेक्ट करता था तो उससे कोई डिजीज़ नहीं होती थी, यानी जो आर टाइप बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या हुए, नॉन विरुलेंट। आप इनको क्या नाम दे देंगे कि ये क्या है, नॉन विरुलेंट है। जबकि जो एस टाइप बैक्टीरिया थे वो कहते हैं कि दिस कॉज निमोनिया। अब देखें जो निमोनिया कॉज कर रहे थे, यानी ये किस तरह से हो रहा था कि उसने माइस के ऊपर जो था ये एक्सपेरिमेंट किया था, यानी जब आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया तो उसमें कोई डिजीज़ नहीं हुई, मतलब क्या डिजीज़ कॉज नहीं करते, वो नॉन विरुलेंट है। जब एस टाइप बैक्टीरिया जब उसने किए तो डिजीज़ उन्होंने कॉज की, तो इसका मतलब क्या है, वो विरुलेंट है, डिजीज़ कॉजिंग है एस टाइप। फिर उसने ना एक मिक्सचर इंजेक्ट किया, और मिक्सचर जो था ना जो उसने इंजेक्ट किया वो शुरू में कौन सा था, ये देखें डेड एस टाइप और लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया, यानी डेड एस और लिविंग आर टाइप का उसने किया। तो इसमें उसने क्या देखा कि जो माइस से उसको डिजीज़ होगी, यानी यहाँ पे क्या है, डिजीज़ डिवेलप, यानी उसमें निमोनिया डिवेलप हो गया। जबकि उसने ना क्या देखा था, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये डेड एस टाइप थे ना, ये इनको हम कहते हैं कि दीज आर हीट किल्ड बैक्टीरिया। जो एस टाइप बैक्टीरिया थे वो कौन से थे, यहाँ पे हीट किल्ड वो बैक्टीरिया थे, और वो हीट किल्ड बैक्टीरिया जो होते हैं ना, अगर हम देखें डेड एस टाइप डू नॉट कॉज निमोनिया, कि ये निमोनिया कॉज नहीं करते, आर भी नहीं कर रहे थे लिविंग, डेड एस भी नहीं करते थे, लेकिन जब डेड एस और आर टाइप लिविंग हमने लिए तो उसको निमोनिया हो गया। लेकिन इसमें ना बेटे एक ऑब्जर्वेशन क्या थी, ज़रा बात समझने वाली है, वो ये है कि जिस वक्त ये डिजीज़ डिवेलप हुई ना, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डेथ ऑफ माइस, चूँकि माइस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो उसके क्या हो गई है, शाबाश डेथ भी होगी। जब उसकी डेथ हुई ना तो उसमें से ये देखें यहाँ पे मैं यूँ लिख रहा हूँ, रिकवर्ड लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया और दूसरे क्या थे, लिविंग आर टाइप फ्रॉम ब्लड सैंपल। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी कि जिस तरह देखो आपने इंजेक्ट किए थे वो कौन से थे, डेड एस थे, लिविंग आर थे, लेकिन जब उसको डिजीज़ हो गई और डेथ हो गई माइस की, तो डेड माइस के ब्लड का सैंपल जब हम लेके ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लिविंग एस भी मिलते हैं और लिविंग आर भी मिलते हैं। भई हमने तो डेड एस यूज़ किए थे लेकिन ये लिविंग एस कहाँ से आ गए। जब उन लिविंग एस टाइप को देखा ना तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि लिविंग एस शोइंग सरफेस फीचर्स ऑफ आर टाइप बैक्टीरिया, यानी ये ऐसे थे जिनके जो सरफेस फीचर्स हैं वो क्या थे, आर टाइप बैक्टीरिया से मिलते जुलते थे ये डेड एस, लेकिन अब हमें लिविंग एस भी उसमें मिल गए, लेकिन वो क्या थे, आर टाइप से उनकी जो सरफेस थी वो मिलती जुलती थी।
यानी केमिकली जो है वो अगर हमें आर से मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि जब आपने मिक्सचर इंजेक्ट किया है तो इस दौरान क्या हुए कि आर टाइप जो थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं किसके अंदर, एस टाइप के अंदर। किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? आर टाइप जो है वो एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गए। अच्छा बेटे, इसका ना ये जो था ना बेसिकली जो हमने यहाँ पे ये लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये वही होता है कि आर टाइप एस टाइप में क्या है ट्रांसफॉर्म हुए, इस चीज़ को हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहते हैं। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रिंसिपल था ना, ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ था इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। बाद में ना जो आपके इस चैप्टर के लिहाज से फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ, दो तीन नाम थे, एक एवरे, मैकलियन, मैकार्टे, इन्होंने क्या किया था एक यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो था ना इन्होंने प्रूव किया था कि जो एस टाइप हैं सॉरी आर टाइप हैं वो एस टाइप में कैसे कन्वर्ट होते हैं। मैं उसमें एक आसान सा आपको ये बता भी देता हूँ। इन्होंने क्या किया था कि टेस्ट ट्यूब ले के ना उसके अंदर जो डेड एस बैक्टीरिया थे वो ऐड किए, यानी ये टेस्ट ट्यूब हम उसी तरह से ये ले रहे हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, ये शाबाश, डेड एस टाइप जो थे वो ऐड किए और इसके अंदर जो एंजाइम था वो ऐड किया, क्या, प्रोटीएज। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोटीएज एंजाइम जो है वो डेड एस बैक्टीरिया की तमाम प्रोटीन्स होती हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ पे ना एक आप लिख सकते हैं 99.98% प्योरिटी, मतलब कि इतने ज़्यादा टाइम के लिए उन्होंने एंजाइम सॉल्यूशन में रखा कि उससे तकरीबन 99.98% जो वो प्योरिटी से मीनिंग क्या हुआ, इतने परसेंट प्रोटीन यानी ऑलमोस्ट सारी प्रोटीन क्या डाइजेस्ट हो गई। फिर उन्होंने क्या है, ये जो डेड एस का मिक्सचर था लिविंग आर के साथ ना, यानी डेड एस को और लिविंग आर के साथ कंबाइन करके दोबारा से इंजेक्ट किया, उन्होंने क्या देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ना, बात समझे, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि ओरिजिनली वो लिविंग आर थे डेड एस से, लेकिन लिविंग एस भी प्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन लिविंग एस जो थे ना उनके सरफेस फीचर आर से मिलते जुलते थे। इसका मतलब ये है कि जो आर टाइप बैक्टीरिया थे ना, दे सम हाउ गॉट द एबिलिटी टू डिवेलप कैप्सूल अराउंड देमसेल्व एंड आर कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। तो अब ना वो कैप्सूल जो था उसमें प्रोटीन भी हो सकती है, तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के बाद भी हमने देखा कि वो फिर भी कैप्सूल वो बन रहे, तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। साथ ही दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब ले के उसमें डेड एस टाइप बैक्टीरिया डाले, लेकिन उसमें जो एंजाइम था वो जो यूज़ किया वो क्या है, डीनेज, यानी ये क्या था, डेड एस टाइप बैक्टीरिया थे और उसको डीनेज जो सॉल्यूशन था उसके अंदर रख दिया। जब डीनेज सॉल्यूशन में रखा तो उससे बेटे क्या हुआ, शाबाश, जब डीएनए डाइजेस्ट हुआ फिर उन डेड एस को मिक्स करके आर टाइप के साथ इंजेक्ट किया, तो क्या देखते हैं, किसी किस्म की जब वो डिजीज़ भी नहीं हुई और ना ही उसकी डेथ हुई। यानी डीएनए ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया जब आप डाइजेस्ट कर देते हैं फिर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो बेटे इसका मतलब क्या है, जो डेड एस बैक्टीरिया का डीएनए होता है ना वो लिविंग आर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस केस में ना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसमें आप क्या कहेंगे कि जो डेड एस बैक्टीरिया है, ये देखें आपके ना ये एमसीक्यूज में आ सकता है, डेड एस टाइप क्या होगा, दैट विल बी डोनर, और जो लिविंग आर होगा वो क्या है, लिविंग आर टाइप जो बैक्टीरियम है दैट विल बी रिसिपियंट। ये क्या होगा इस केस में, रिसिपियंट होगा,
कि वो डेड एस का वो डीएनए लेगा और खुद ट्रांसफॉर्म या चेंज हो जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरह से क्या था ये, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि इनके अंदर क्या है, जेनेटिक वो रिकॉम्बिनेशन बनता है या वेरिएबिलिटी आ जाती है कि एक बैक्टीरियल सेल क्या कर रहा है, दूसरे से गेन कर रहा है क्या चीज़, डीएनए। तो इस तरह से क्या होगा, देखें एक आर टाइप एस में कन्वर्ट होगी, तो उसमें कुछ कैरेक्टर आर वाले भी थे, कुछ क्या कैप्सूल फॉर्मिंग एबिलिटी आ गई एस टाइप के लिहाज से। तो ये जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ना, बेसिकली एक तरह की पैरासेक्सुअलिटी है। तो बेटे इस वजह से इसको हम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहते हैं। और मैंने शुरू में कह दिया था इनके अंदर उस तरह से ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब बेटे हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से जो सेकंड है, दैट इज ट्रांसडक्शन। बात समझ आ रही? दूसरी टाइप कौन सी है इसमें, ट्रांसडक्शन। अब बेटे देखें जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा, उसमें मैंने क्या कहा था कि एक ही जगह पे डेड एस भी मौजूद है, ठीक है ना, और लिविंग आर भी है। तो वो अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं, डेड एस का डीएनए एब्जॉर्ब कर लेते हैं लिविंग आर और कन्वर्ट हो जाते हैं एस टाइप के अंदर। लेकिन जो ट्रांसडक्शन होगी इसके अंदर बेटे क्या होगा कि जो डीएनए है एक बैक्टीरियम का, जिसको आप डोनर का नाम देंगे, वो रिसिपिएंट के पास जाता है, लेकिन क्या होगा वो डायरेक्टली नहीं जाता। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी इसमें मैं यूँ लिख रहा हूँ कि जेनेटिक मटेरियल कैरीड बाय अ थर्ड पार्टी, और इस केस में वो जो थर्ड पार्टी है वो कौन सी है, बैक्टीरियो फेज। वो कौन सी होती है, बैक्टीरियोफेज। बेटे मैं आपको एक आसान सा ये बता देता हूँ, फ़र्ज़ करें ये एक बैक्टीरियल सेल था, ये उसका अपना जीनोम, और ये हमने क्या शो कर दिया, शाबाश ये एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक है ना। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है इसमें मैं देखें इस तरह से ये बना रहा हूँ कि उसके अंदर भी क्या था, ये अपना डीएनए मौजूद था। अब ना मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आपको ना जो चैप्टर 5 में पढ़ाया हुआ है, लाइसिस जब होगी नए बैक्टीरियोफेजेस बनेंगे। अब देखें लाइसिस के दौरान क्या होगा, बाज़कात ऐसे बैक्टीरियोफेजेस भी रिलीज होते हैं कि वो क्या करेंगे, जब देखें ना असेंबली, यानी लास्ट स्टेप होता है कि वो हेड टेल पीसीस वगैरह जो होते हैं आपस में असेंबल होकर नया वायरस बना रहे होते हैं, उस दौरान क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियल डीएनए था वो भी ब्रेक हुआ हुआ था, उसका कोई ना कोई पीस क्या होगा इस बैक्टीरियोफेज के साथ, डीएनए के साथ आ जाएगा। अब जैसा ये जाके नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करेगा, अब देखें ये उसका डीएनए, ये मैंने क्या किया इसमें, शाबाश वो बैक्टीरियोफेज यूँ बना दिया, ठीक है। और ये देखने बैक्टीरियोफेज का अपना डीएनए भी था, और साथ ही क्या है इसमें रेड वाला जो था ना, इस पहले वाले बैक्टीरियल डीएनए भी मौजूद है। अब ये देखें जैसा ये इसमें इंजेक्ट करेगा, इंजेक्ट करने के बाद अब देखें वही बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये उसका डीएनए, ये ब्लू वाला क्या था बैक्टीरियोफेज का डीएनए, और उसी के साथ ये रेड वाला क्या है, शाबाश डीएनए ऑफ फर्स्ट बैक्टीरियम। अब देखें ये पहला जो बैक्टीरियम है ये इस लिहाज से फिर क्या हो गया, डोनर। ये इस दूसरे बैक्टीरियम ने ये चूंकि रिसीव किया है तो ये क्या हो जाएगा, रिसिपिएंट। लेकिन देखें ना डोनर से रिसिपिएंट में किसके थ्रू आ रहा है, बैक्टीरियोफेज के थ्रू, किसके थ्रू आ रहा है, बैक्टीरियोफेज। अब ये देखें यहाँ पर तो हमने कहा था लाइसिस है, लेकिन ना लाइसिस कह दें या लिटिक का भी नाम दे सकते हैं कि वो बैक्टीरियल सेल बस कर गया था, वायरसेस लीस हो गए थे। यहाँ पे मैं लाइसोजेनी लिख रहा हूँ,
कि अगर ना वो पीसफुल एक ना हम कहते हैं सिचुएशन डेवलप होती है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप हो जाएगी, वो बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब देखिए ये रिसेप्टिएंट बैक्टीरियम के पास डोनर का डीएनए था, ज़ाहिर है जो डीएनए होता है उस पर कोई ना कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो बेटे क्या हुआ, रिसिपिएंट के अंदर ना कुछ नए कैरेक्टर्स डिवेलप हो जाएंगे। क्यों, ये जेनेटिक वही ना जो था ना कॉम्बिनेशन वगैरह हो गया कि दो डिफरेंट बैक्टीरिया के एक साथ आ गए, लेकिन ये कैसे आए, बाय अ थर्ड पार्टी विच इज़ कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। इसके बाद बेटे जो लास्ट और फोर्थ टाइप आ जाती है, दैट इज कंजुगेशन। क्या होती है कंजुगेशन बेटे, मैं इसमें ना आपको एक आसान सा बता देता हूँ, बात सुने। ये जो बैक्टीरियल सेल है ना, है ये एक सिंगल सेल, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल भी है। जैसे यूनिसेलुलर में क्या होता है, बॉडी एक सिंगल सेल की बनी हुई है, यानी वो एक सिंगल सेल जो ना वो एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम करता है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो दो ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर आपस में आके मिलते हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों किसके तौर पे काम करेंगे, थे वो कंप्लीट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म से, जब आपस में मिलेंगे तो किसके तौर पे काम करेंगे, शाबाश गैमीट्स के तौर पे। जब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म गैमीट के तौर पे काम करता है तो बेटा उसको हम कंजुगेंट कहते हैं, उसको क्या नाम देंगे, कंजुगेंट। और ये जो फिर ना इस तरह से प्रोसेस होगा ये क्या कहलाएगा, कंजुगेशन। लेकिन मैं आसान से इसमें बात कर देता हूँ, ये देखें अगर मेरे पास इस तरह से ना ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल, अब देखें इन दोनों के ना ये वाले आपने क्या पढ़े थे, पिल्लाई भी कहते हैं, या हम इनको ना सेक्स पिल्लाई का नाम भी देते हैं। ये क्या थे, दीज आर द सेक्स पिल्लाई। अब ये देखें ये इसका डीएनए, ये मैं इसका ना वो प्लास्मिड भी कह सकता हूँ, ये दूसरा बैक्टीरियल था, ये उसका क्या है डीएनए, यानी ये उस दूसरे बैक्टीरियम का क्या था, जीनोम था। अब देखिए होगा क्या कि जिस वक्त ना ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और ये जो आपने उनके ना जो पिलाए शो किए हुए थे, तो वो पिलाए जो आपस में टिप के थ्रू एक दूसरे के साथ टच करेंगे और फ्यूज़ कर जाएंगे और वो एक ट्यूब बन जाएगी, इसको हम बेटे नाम देंगे कंजुगेशन ट्यूब। इसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या बन गई, कंजुगेशन ट्यूब। अब कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, एक का जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जैसे से ना अब वो कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं आ सकता, मिसाल के तौर पे ये प्लाज्मिड भी हो सकता है, या इसी तरह से एक और मैं नाम लिख रहा हूँ ट्रांसपोसन, ट्रांसपोसन वगैरह हो सकता है, यानी वो डीएनए का फ्रैगमेंट होगा जो इस ट्यूब के थ्रू दूसरे बैक्टीरियम के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले वाला फिर क्या था, इसमें डोनर था और ये क्या है, रिसिपिएंट। अब देखें डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसी ना किसी कैरेक्टर को क्या कैरी कर रहा होता है, तो बेटा जिस वक्त ना इसका डीएनए दूसरे के पास जाएगा तो उस डीएनए की प्रेजेंस में उसमें भी चेंज आ जाएगी, जब उसमें ये चेंज आएगी तो उसके साथ ना यानी ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, एक नई टाइप बन गया, तो बेटा इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, कंजुगेशन। अच्छा आपके बुक में ना उसने थोड़ा सा कंजुगेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है इस तरह से, देखें जैसा से मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी, जो म्यूटेशन है वो हो सकती है म्यूटेजन्स के थ्रू। म्यूटेजन क्या है, म्यूटेशन कॉज करने वाली, वो रेडिएशंस भी हो सकती हैं या कोई भी। अब बेटे देखें यहाँ पे आपके बुक में उसने एक एग्जांपल दिया कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जो अपने नेसेसरी अमीनो एसिड्स हैं उनको खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्या उनको खुद वो सिंथेसाइज कर लेंगे। अब देखें इन बैक्टीरिया में ना एक मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कि वो तमाम बैक्टीरिया जो है वो अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करें, लेकिन जब हम उनको रेडिएशंस में रखेंगे तो लाजमन क्या हो जाएंगे, म्यूटेशन।
आपने जिस साथ वो म्यूटेशन जो है वो ख़ुद से करवाएगी, मतलब क्या है, हमने एक्सपेरिमेंटली उनको एक्सपोज किया रेडिएशन में, तो जब म्यूटेशन हुई तो उसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की मैं एक बात कर रहा हूँ, वो डेफिशिएंसी आ गई। और वो डेफिशिएंसी क्या थी कि वो बैक्टीरिया पहले जो था ना, एक होता था बायोटिन और एक इसी तरह से मैं ये लिख रहा हूँ मेथियोनीन, ये वो वाले हैं अमीनो एसिड्स हैं जो कि क्या था, ये सिंथेसाइज कर सकता था। यानी बैक्टीरिया जो उसके पास एबिलिटी थी कि वो ये वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो सिंथेसाइज कर सकता है। अब ये बात समझें कि अगर ना ये पहले सिंथेसाइज कर सकता था तो आप उसके मीडियम में जो ग्रोथ मीडियम है उसमें ये बैक्टीरिया ये अमीनो एसिड ना भी डालें तब भी वो क्या है सर्वाइव कर जाएगा कि खुद सिंथेसाइज कर लेता है। लेकिन जब आपने उसमें यानी उसको रेडिएशंस में एक्सपोज किया और रेडिएशन में एक्सपोज करने के बाद उसमें जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ गई कि बायोटिन और मेथियोनिन वगैरह नहीं बना सकते थे, तो अब जो बैक्टीरिया के लिए आप मीडियम बनाएंगे अब आपको ये दोनों अमीनो एसिड उसमें डालने पड़ेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। दोबारा सुन लें कि अगर एक मीडियम है उसके अंदर बैक्टीरिया को आप रखते हैं, वो सिंपल मीडियम है, बैक्टीरिया अपने अमीनो एसिड्स खुद बना लेते हैं, वो ग्रो करते रहेंगे। लेकिन अगर उन्हीं बैक्टीरिया को मैं रेडिएशंस में एक्सपोज करता हूँ, एक्सपोज करने के बाद क्या होगा, शाबाश वो बैक्टीरिया जो हैं उनमें म्यूटेशन आएगी और वो मिसाल के तौर पे कोई भी एक या फ्यू अमीनो एसिड सिंथेसाइज करने की एबिलिटी जब वो लूज़ कर देते हैं। अब क्या होगा अगर उसी मीडियम में दोबारा रखेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे, क्यों, क्या अब उनके पास क्या है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई कि वो खुद कुछ अमीनो एसिड नहीं बना सकते। अब जो नहीं बना सकेंगे वो आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में उस मीडियम में रखने पड़ेंगे अगर आप उनको ग्रो करवाना चाहते हैं। फिर इसी तरह से देखें एक और स्ट्रेन थी, यानी ये मैं इसको ये लिख रहा हूँ, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो हुई है ना ये एक फर्स्ट स्ट्रेन है, तो बेटे मैं इसके मीडियम में अब ये अमीनो एसिड रखूँगा तब ये ग्रो करेंगे। इसी तरह से एक सेकंड स्ट्रेन में उसका नाम भी लिख रहा हूँ और उसमें जो बेसिकली अमीनो एसिड के जो डेफिशिएंसी आई थी, एक मैं यहाँ पे ये थ्रियोनीन लिख देता हूँ और एक ये ल्यूसीन, ये डेफिशिएंसी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें ये सेकंड स्ट्रेन में रखूँगा उसमें मुझे ये दो अमीनो एसिड देने पड़ेंगे तब बैक्टीरिया सर्वाइव और ग्रो करेंगे। हुआ ये कि हमने ना ये चारों अमीनो एसिड एक मीडियम में रखे और ये दोनों स्ट्रेन्स जो थी उसी में ला के जमा कर दी, एक जगह पे रख दी। दोबारा सुन लें कि हमने क्या किया कि ये दो टाइप्स बैक्टीरिया के प्रोड्यूस किए, दोनों ये दो डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड नहीं बना सकती, इसलिए हमें बने बनाए देने पड़ेंगे उनको प्रीपेड फॉर्म में। इसका मीडियम जो होगा उसमें बायोटिन और मेथियोनिन रखोगे, इसके थ्रियोनिन और ल्यूसीन रखोगे। लेकिन जब आप दोनों स्ट्रेन को एक ही मीडियम में रखेंगे तो ये चारों अमीनो एसिड उस मीडियम में आपको देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ क्या है एक सर्वाइव करेगी दूसरी नहीं। लेकिन जब हमने एक मीडियम में रखा और काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी ऑब्ज़र्व किया तो हमें कुछ नई स्ट्रेन्स मिल गई और नई स्ट्रेन्स ऐसी थी जिनको कोई अमीनो एसिड प्रीपेड फॉर्म में नहीं चाहिए था, वो खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। भाई वो कहाँ से आ गई, अब देखिए ना जब उनमें यूँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो एक में ये डेफिशिएंसी थी इन दो की, दूसरे में ये डेफिशिएंसी थी, तो आप देखें जब दोनों का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा ये दोनों डेफिशिएंसीज क्या हैं ख़त्म हो जाएंगी, हमारे पास एक न्यू टाइप आ जाएगी जो कि क्या है तमाम सब्सटेंसेस या अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर सकेगी। तो ये क्या कहलाते हैं कॉन्जुगेशन के थ्रू हो रही है, बातें समझ गए। ये तीन टाइप्स भी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के सोर्स में, होपफुली ये आज की सारी बातें समझ आ गई होंगी। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।